वेतन न मिलने पर पंचायती राज सफाई कर्मचारियों का जिलाधिकारी को ज्ञापन। उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ द्वारा गांधीवादी तरीके से मुरादाबाद जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आगामी त्योहारों के चलते अपने वेतन को जल्द देने की मांग करी है। प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जसपाल वाल्मीकि ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में अपना अहम योगदान दे रहे पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारी अपना कार्य पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ पावन पर्व आने वाले हैं जैसे ईद और रक्षाबंधन। इन त्योहारों पर सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन मिल जाए, इस बात को लेकर सफाई कर्मचारियों की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जसपाल सिंह वाल्मीकि, दिनेश कुमार राही, अमरजीत सिंह काका, राहुल सेवक, ललित कुमार, संजय कुमार, राम अवतार, जय शंकर सैनी आदि लोग मौजूद। मेरा नाम जसपाल सिंह वाल्मीकि है और मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ का संस्थापक और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उस समय मौजूद। आज जो जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद को ज्ञापन दिया गया है वो पावन पर्व रक्षाबंधन और ईद उल फितर के उपलक्ष्य में वेतन हमारा त्यौहार से पहले दिया जाए, इस उपलक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मेरी हमारी जो मुख्य मांग वो यही है कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारा पंचायत राज विभाग का सफाई कर्मचारी दिन प्रतिदिन रात दिन एक कर करके इस कोरोना महामारी से लड़ रहा है, परंतु विभाग द्वारा जो एक पावन पर्व रक्षाबंधन होता है, पावन पर्व ईद उल फितर है, क्योंकि हमारे विभाग में मुस्लिम भाई सफाई कर्मचारी भी हैं और हिंदू भाई भी सफाई कर्मचारी हैं और दोनों ही पर्व एक साथ आगे पीछे पड़ रहे हैं, तो मेरा शासन से और माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि पावन पर्व ईद उल फितर और पावन पर्व रक्षाबंधन से पहले हमें वेतन दिया जाना न्याय हित में होगा।